हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का बीएससी की स्पेशल क्लास में मोस्ट वेलकम है। आज की वीडियो में हमारा जो टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे पक्सिनिया ग्रेविस ट्यूट्रिसाई फंजाई के बारे में। दोस्तों, हमारे सिलेबस में वैसे पक्सिनिया की बहुत सारी स्पीसीज हैं जिसके बारे में स्टडी करना जरूरी है, लेकिन हमारे जो बीएससी के सिलेबस में है वो है पक्सिनिया ग्रेविस ट्यूट्रिसाई। आज हम इसकी पूरी लाइफ साइकिल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। तो जो पक्सिनिया ग्रेविस ट्यूट्रिसाई है, ये एक मैक्रोसाइक्लिक फंजाई है। मैक्रोसाइक्लिक मतलब इसकी लाइफ में कई तरह के स्टेजेस आते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यूरिडियोस्पोर्स, टेलिडियोस्पोर्स, बेसिडियोस्पोर्स, पिकनिडियोस्पोर्स, एसिडियोस्पोर्स, ये सब स्टेजेस आते हैं इसकी लाइफ साइकिल में। और ये एक हेट्रोसियस फंजाई है। हेट्रोसियस का मतलब जो ऐसा फंजाई या फिर कोई ऐसा जीव जो कि अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए दो होस्ट की सहायता लेता है, ठीक है। ये दो होस्ट प्लांट की सहायता लेता है। कौन सी सबसे पहला होता है वीट प्लांट, ट्रिट्रिकम वुलगेरी, जिसका साइंटिफिक नेम है वीट प्लांट, मतलब इसे हिंदी में गेहूं भी बोलते हैं, ठीक, सीरियल प्लांट्स भी इसे बोलते हैं। सो सेकंड इसका जो होस्ट प्लांट होता है वो होता है बारबेरिस वुलगेरिस। ये बारबेरिस का साइंटिफिक नेम है, बोटेनिकल नेम है बारबेरिस वुलगेरिस। तो इन दोनों प्लांट पर ये अपना जो है लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है। मतलब कि अगर ये एक होस्ट प्लांट मिले, जब सपोज दैट कि इसे गेहूं का ही सिर्फ पौधा मिला, तो इसकी जो लाइफ साइकिल है वो अधूरी रह जाएगी। तो आइए जानते हैं कि किस प्रकार का डिजीज कोर्स करता है। तो ये डिजीज कोर्स करता है वीट प्लांट में, ब्लैक रस्ट ऑफ वीट। ये ब्लैक रस्ट, इसकी कई स्पीसीज है जो कि रस्ट डिजीज को कोज करती है, और ये वीट प्लांट में ब्लैक रस्ट डिजीज को कोज करता है, जिसकी वजह से हमारे जो इंडिया की अगर हम बात करें तो 1-10% वीट गेहूं जो है वो बेकार हो जाता है, खराब हो जाता है, डैमेज हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। सो दैट्स व्हाई इसकी वजह से 1-40 सपोज दैट, जैसे यहां पर लिख रखा है मैंने 40 से 60 लाख रुपए की हानि होती है इस पक्सिनिया ग्रेविस ट्यूट्रिसाई की वजह से। 1-10% गेहूं हमारा वेस्ट हो जाता है, जिसकी वजह से 40-60 लाख रुपए की हानि हो जाती है सिर्फ इसीलिए इसका जो स्टडी है वो जरूरी है, ताकि हम उस रोग को, डिजीज को दूर कर सकें, और ताकि हमारे जो गेहूं है वो ज्यादा मात्रा में खराब ना हो। तो आइए बात कर लेते हैं इस जो डिजीज होता है ब्लैक रस्ट डिजीज। ये अब इसकी जानकारी जो है अभी से नहीं, जैसे कि सपोज दैट आप सोच रहे होंगे जब से फंजाई की स्टडी होनी स्टार्ट हुई तभी से इसके बारे में पता लगा, नहीं, ऐसा नहीं है। इसकी जो नॉलेज है वो रोमन साम्राज्य से ही थी। रोमन साम्राज्य के लोग क्या समझते थे इस डिजीज को, कि ये एक दैवीय प्रकोप है। मतलब उनका जो गॉड है उन्होंने एंग्री होकर के उनके क्रॉप्स प्लांट में या उनके खेतों में इस तरह के डिजीज को कोज किया है। इसीलिए वो 25 अप्रैल को क्या करते थे, इन्होंने गॉड माना था उन्हीं को ये इनकी आराधना करते थे, पूजा करते थे, वर्शिप करते थे। सो दैट्स व्हाई गाइस यहाँ पर वो 25 अप्रैल को उनकी वहां पर पूजा करते थे, ताकि ये रोग उनके खेतों में या उनके क्रॉप्स प्लांट में, सीरियल प्लांट्स में ना हो। लेकिन जैसे जैसे अब मॉडर्न दुनिया में आया, जब फंजाई को पता चला, सबको फंजाई की स्टडी करना स्टार्ट हुआ, तब आपको उन्हें पता लगा कि नहीं, एक प्रकार का जो है गॉड क्यों चाहेगा अपनी नेचर को वहां पर डिस्ट्रॉय करना, खत्म करना, क्योंकि उसने तो प्रकृति बनाया है, वो क्यों चाहेगा। तो लोगों को ये समझ हुआ, तो उन्होंने धीरे धीरे क्या किया, उन पर स्टडी किया, तब उन्हें पता लगा कि ये जो डिजीज है वो कॉज करता है पक्सिनिया ग्रेविस ट्यूट्रिसाई। तो ये इसके इतिहास को बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन हमारे पास समय थोड़ा सा कम है, इसलिए हम सबसे पहले इसका कर लेते हैं सिस्टेमेटिक पोजीशन। देखिए, सबसे पहले इसका सिस्टेमेटिक पोजीशन की बात करें तो ये किंगडम माइकोटा से बिलोंग करता है, डिवीजन यू माइकोटा से बिलोंग करता है, सब डिवीजन बेसिडियो माइकोटीना। अब देखिए, जैसे सब डिवीजन बेसिडियो माइकोटीना, इससे आप क्या समझ रहे हैं, इसमें जो स्पोर्स बनते हैं वो बेसिडियो स्पोर्स, ठीक है। अब यहाँ पर टिलिडियो स्पोर्स भी बनते हैं, ठीक, ऑर्डर यूरिडिनेल्स, जितने भी ऑर्डर लिखे जाएंगे उसके फाइनली वहां पर लिखा जाएगा है यूरिडिनेल्स, एल्स आ जाता है लास्ट में। और वहीं पर बात करें फैमिली की, जैसे फैमिली का नाम है पक्सिनियेसी, तो पक्सिनिया से आगे फैमिली में लगा देते हैं एसी, ठीक है। जीनस की बात करें तो जीनस जो बिलोंग करता है पक्सिनिया। तो इस सिस्टमैटिक पोजीशंस को बिल्कुल भी आप ये मत सोचो सिर्फ ये याद करने के लिए, सिर्फ इसके थ्रू ही आप 50% से ज्यादा जान लेते हो कि आखिर ये फंजाई किस तरह का है। सपोज दैट कि अगर आपको माइकोटा के करेक्टर्स पता हैं, तब आप इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जान पाओगे। इससे पहले कुछ वीडियो में मैं माइकोटा के करेक्टर्स के बारे में बता चुका हूँ, ठीक है। तो आइए दोस्तों डिस्कस करते हैं इसकी कुछ बातें यहाँ पर जो कि इंपॉर्टेंट है। चलिए, सबसे पहला है मैक्रोसाइक्लिक फंजाई, मैंने आपको बताया, हेट्रोसियस मैंने बताया आपको, वहीं पर अगर हम बात करें इसकी जो स्टेजेस आते हैं, अब इन स्टेज को, इन अवस्थाओं को अलग मत समझना,
होता क्या है कि मतलब एक तरह से हम इसे अवस्था बता देते हैं, लेकिन ये एक दूसरे से लिंक है। सबसे पहले यूरिडियोस्पोर बनेगा, तो फिर टिलिडियोस्पोर्स, टिलिडियोस्पोर से बेसिडियोस्पोर्स, और बेसिडियोस्पोर से पिकनिडियोस्पोर्स, पिकनिडियोस्पोर से एसिडियोस्पोर्स, अब ये एसिडियोस्पोर से फिर दोबारा से बनता है यूरिडियोस्पोर्स। तो ये एक तरह से साइक्लिक होता है। अब देखिए, सपोज दैट कि भाई कोई चीज साइक्लिक है, तो साइक्लिक का मतलब यह है कि हमें किसी न किसी तरह से रेफरेंस पॉइंट मानना होगा, किसी एक को उसकी स्टडी करनी है। जैसे कोई चीज साइकिल की तरह घूम रही है, तो अगर आपको इसमें इन्वॉल्व होना है तो किसी एक पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट मान लो, तभी तो आप उसकी तरह से दोबारा से उस साइकिल को कंप्लीट कर पाओगे। तो क्या करते हैं हम, यूरिडियोस्पोर्स को रेफरेंस पॉइंट मानते हैं और यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो यूरिडियोस्पोर्स जो होता है वो होता है बाई न्यूक्लिएट, इसलिए मैंने लिखा यहाँ पर 2x, और ये इन्फेक्ट करता है वीट प्लांट पर, वीट प्लांट की लीफ पर, ठीक है, जिसके कारण आप यहाँ पर डायग्राम में भी देख सकते हैं इस प्रकार से वीट प्लांट पर लीफ करता है, जिसके कारण ब्राउन या रेड कलर के स्पॉट्स दिखाई देते हैं। देखिए अब दूसरा नंबर पे है टिलिडियोस्पोर। अब यूरिडियोस्पोर से बनता है टिलिडियोस्पोर। यहाँ पर मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ ताकि आप अच्छी तरह से समझ पाए, आगे मैं इन सभी के बारे में एक एक करके डिस्क्रिप्शन भी दूंगा, क्योंकि एग्जाम पेपर में आपको वहां पर डिस्क्रिप्शन भी देना होता है आसानी से, ताकि समझ सके, ठीक है। तो यूरिडियोस्पोर्स और यूरिडियोस्पोर से निर्माण होता है टिलिडियोस्पोर का, ये भी बाई न्यूक्लिएट होता है, लेकिन ये बाई सेलिड होता है, ये यूनिसेलिड होता है। यूनिसेल का मतलब एक ही सेल में दो न्यूक्लियस होते हैं, लेकिन ये टिलिडियोस्पोर की बात करें इसमें दो न्यूक्लियस जरूर होते हैं, लेकिन ये अलग अलग सेल में होते हैं, ठीक है, वो सेल आपस में अटैच होती है, इसलिए बोलते हैं बाई सेल। अब ये भी वीट प्लांट में इन्फेक्ट करता है, ये भी वीट प्लांट में इन्फेक्ट करता है। अब थर्ड नंबर पर बनता है बेसिडियोस्पोर। बेसिडियोस्पोर जो है बारबेरिस वुलगेरिस प्लांट पर अटैक करता है, ये यूनिन्यूक्लिएट होता है। किस तरह का यूनिन्यूक्लिएट, मतलब सिर्फ इसमें एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं पिकनिडियोस्पोर्स की, तो ये भी बारबेरिस वुलगेरिस पर ही इन्फेक्ट करता है, और ये भी होता है यूनिन्यूक्लिएट। और फाइनली इन दोनों का जो है यहाँ पर फाइनली जो बनता है वो बनता है एसिडियोस्पोर्स, और ये होता है बाई न्यूक्लिएट, और ये अटैक करता है वीट प्लांट पर, और ऐसे ऐसे प्रोसेस चलता रहता है। तो ये हो गया साइक्लिक फॉर्म। तो आइए दोस्तों अब हम अच्छी तरह से डिस्कस करते हैं इसके यूरिडियोस्पोर्स के बारे में। सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ यूरिडियोस्पोर्स जान लेते हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे बाद जानकारी प्राप्त करेंगे टिलिडियोस्पोर्स, फिर बेसिडियोस्पोर्स, पिकनिडियोस्पोर, एसिडियोस्पोर्स। तो प्यारे दोस्तों आइए डिस्कस करते हैं सबसे फर्स्ट स्टेज जो कि है यूरिडियोस्पोर्स, ठीक है, इसे हम यूरिडियल स्टेज भी बोलते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यूरिडियोस्पोर्स जो होते हैं वो कहां पर अटैक करते हैं, वीट प्लांट पर, और वीट प्लांट पर कौन सी जगह पर, उसके स्टेम पर और उसके लीफ पर। स्टेम मतलब तना और लीफ मतलब पत्ती। और जब उस पर अटैक करता है तो क्या होता है कि धीरे धीरे उस पर ब्राउन कलर के या रेड कलर के इलोंगेटेड स्ट्रैक्स नजर आते हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में डायग्राम में दिखाया था उसी प्रकार से। अब ये जो स्ट्रैक्स आपको दिखाई दे रहे हैं इसी को बोला जाता है यूरिडोसोराई। अब यूरिडोसोराई क्या है, यूरिडोसोराई जो है यूरिडोस्पोर्स को बहुत सारा कलेक्शन है, ठीक है, एक ग्रुप है जो कि यूरिडोसोराई कहलाता है, उसके अंदर यूरिडोस्पोर्स होते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं यूरिडोस्पोर्स की। अब दोस्तों होता क्या है, एक यूरिडोस्पोर्स की जो स्ट्रक्चर होती है वो यहाँ पर आपके सामने दिखाई दे रही है कि इसमें साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होते हैं, और दो न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इसलिए इसे हम बोलते हैं बाई न्यूक्लिएट, ठीक है। वहीं पर ये एंडोस्पोर्स इसके अंदर प्रेजेंट होता है, ये एक्सोस्पोर्स कहलाता है, और इसके जो यहाँ पर लिए जो लेयर है वो एंडोस्पोर्स का आउटर लेयर एक्सोस्पोर्स, ठीक है, दो प्रकार के इनर लेयर होता है, एक आउटर लेयर होता है, आउटर लेयर एक्सोस्पोर्स, इनर लेयर एंडोस्पोर्स, एंड ये है स्टाल्क। अब देखिए होता क्या है कि धीरे धीरे जब ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये पूरा का पूरा एक तरह से स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, गोलाकार अंडाकार स्ट्रक्चर है, और बाई न्यूक्लिएट है, एंड टू लेयर्ड वॉल है। अब ये जब धीरे धीरे अब ये क्या करते हैं, जैसे सपोज दैट कि इन्होंने लीफ पर अटैक कर दिया, अब ये लीफ के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर ये जो आपको दिखाई दे रहा है टी एस सेक्शन, ट्रांसवर सेक्शन, ये जो इसके अंदर घुस करके, ठीक है, इनके जो वहाँ पर यूरिडियोस्पोर्स होते हैं ये इन पत्तियों में घुस करके उसके होस्ट सेल के अंदर घुस करके वहाँ पर फूड को एब्जॉर्ब करते हैं। फूड को एब्जॉर्ब करेंगे होस्ट सेल से तो उनका जो माइसिलियम है वो ग्रो करेगा, धीरे धीरे इसके जो माइसिलियम है ये बढ़ता रहेगा, फैलता रहेगा, पूरे पूरे पूरा जो पत्ता है टिश्यू है पूरा को पूरे को रेड कलर में चेंज कर देगा, पूरा खराब कर देगा, डैमेज कर देगा। अब इससे क्या होगा, पूरे वहाँ पर पाउडर के फॉर्म में आ जाएंगे धीरे धीरे। तो यहाँ पर क्या हुआ, यूरिडियोस्पोर्स जो है पूरे माइसिलियम उसका मैच्योर हो गया। अब क्या होगा, जो इसकी इपिडर्मिस है उस पर एक दबाव पड़ता है, प्रेशर होता है कि यार यहाँ पर बहुत सारा जो है यूरिडियोस्पोर्स इकट्ठा हो चुका है, और ये जो है इसकी जो यहाँ पर रैप्चर्ड इपिडर्मिस, इसे बोला जाता है रैप्चर्ड इपिडर्मिस, ये पूरी की पूरी फट जाती है, इसकी इपिडर्मिस जो है भ्रष्ट हो जाती है, और ये जो यूरिडियोस्पोर्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये बाहर की तरफ निकल आते हैं, ठीक है। अब क्या होगा,
अब ये जो स्पोर्स बाहर निकल आए, ये क्या करते हैं, ये हवा के कांटेक्ट में एक पत्ती से दूसरे पत्ती पर, दूसरे प्लांट पर, हवा जब वाइंड फ्लो करती है, हवा बहती है, तो क्या होता है, धीरे धीरे जो है ये जो यूरोडोसोराइस के साथ उड़ उड़ करके सारे के सारे चले जाते हैं दूसरे प्लांट पर। और वो भी इसी प्रकार से जैसे मैंने प्रोसेस बताया, आकर के पत्ती पर जैसे ही बैठेंगे उनका जो माइसीलियम है वो अंदर की तरफ ग्रो करेगा, इंट्रा सेल्यूलर होगा। इंटर सेल्यूलर का मतलब ये अंदर की जो सेल्स है उनके अंदर अपना माइसीलियम पूरी तरह से फैला देंगे, उनका जो माइसीलियम है वो ग्रो करते करते क्या करेगा, उनके फूड को एब्जॉर्ब कर देगा। इस प्रकार से पूरा जो फील्ड है, पूरा जो खेत है, पूरा जो क्रॉप प्लांट का जो पूरा का पूरा वहां पर है वो डैमेज हो जाएगा, और डैमेज होने के बाद वो पूरी तरह से रेड कलर के दिखाई देने लग जाते हैं सारे स्पॉट्स। ठीक, अब उसके बाद मैंने आपको बताया पूरे खेत में उसका जो फील्ड में पूरी तरह से पूरी यूरोडोसोराई जो है यूरोडोस्पोर्स भर गई। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेज आती है आपकी यूरोडोस्पोर्स के बाद टिलियोस्पोर्स। तो यूरोडोस्पोर्स के बारे में आपको इतना ही एक्सप्लेन करना है, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे टिलियोस्पोर्स। सो गाइज, हेडिंग डालेंगे टिलिटोस्पोर। तो टिलिटोस्पोर इस तरह की स्टेज, इस तरह की स्टेज को क्या कहा जाता है, टिलियल स्टेज। अब देखिए इसमें क्या होगा, देखिए यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है ये एक टीएस सेक्शन है टिलिटोस्पोर्स में को जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये यहाँ पर एक सिंगल टिलिटोस्पोर्स की स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले क्या था, यूरोडोस्पोर्स का निर्माण हुआ, अब फिर उसके बाद टिलिटोस्पोर का निर्माण हुआ। अब टिलिटोस्पोर का निर्माण क्यों हुआ, इसका कारण यह है टेम्परेचर या मौसम, मौसम का चेंज होना। देखिए जिस समय यूरोडोस्पोर्स आए थे उस समय था सर्दियों का मौसम, समझ सिंपल तरीके से समझ लो, सर्दियों के मौसम में वो जो है यूरोडोस्पोर्स जो है उसे यूरोडोस्पोर्स के लिए सर्दियों का मौसम फेवरेबल कंडीशन थी। ठीक है, अब जैसे जैसे गर्मी का मौसम आया, मार्च और मार्च का महीना, अप्रैल का महीना जैसे जैसे आना स्टार्ट हुआ, वहां पर यूरोडोस्पोर्स जो है धीरे धीरे खत्म होते गए। ठीक है, क्योंकि वो उनमें टेम्परेचर को मतलब एक तरह से बर्दाश्त करने की क्षमता खत्म हो गई। ठीक है, वो टेम्परेचर को नहीं बर्दाश्त कर पा रहे थे, जिसके कारण अब उसके बाद क्या हुआ, टिलिटोस्पोर्स का निर्माण स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो यूरोडोस्पोर्स और टिलिटोस्पोर्स में अंतर क्या है कि इस यूरोडोस्पोर्स जो है एक सिंगल सेल में दो न्यूक्लियस थे, लेकिन ये एक बाई सेल है। ठीक है, यहाँ पर बीच में एक सेप्टा आपको दिखाई दे रहा होगा, एक यहाँ इसमें दो न्यूक्लियस है लेकिन दो सेल भी प्रेजेंट है, इसीलिए इसे बोला जाता है बाई सेलिड। अब देखिए चलिए इसकी स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है एक तरह से स्पिंडल शेप की होती है, बाइसेलिड होता है, बाई न्यूक्लिएटेड होता है। ठीक है, और ये स्टेम के ऊपर, ये जो है एक स्टेम आपको दिखाई दे रहा है, स्टेम अगर आप वहां पर माइक्रोस्कोप से जो स्टडी करना चाहोगे टिलिटोस्पोर्स की, तो आपको इस तरह से इलोंगेटेड स्ट्रैक्स दिखाई देंगे ब्लैक कलर के। ठीक है, ये एक तरह से स्टेम के ऊपर है अटैक। उसके बाद इसका जो साइज होता है वो 50 से 60 माइक्रोन तक होता है। अब इसमें वो जो यूरोडोस्पोर्स आपको दिखाई दे रहे थे वो धीरे धीरे टिलिटोस्पोर्स में चेंज होते चले जाते हैं, जैसे जैसे मौसम गर्म होता चला जाता है यूरोडोस्पोर्स टिलिटोस्पोर्स में चेंज हो गए। अब उसके बाद देखिए क्या होगा, उसके बाद जैसे जैसे अब मौसम और तेजी से जलवायु गर्म होती है, क्लाइमेट जो है और ज्यादा गर्म होगा, तो क्या होगा, टिलिटोस्पोर्स जो है मैच्योर हो जाएंगे। मैच्योर होने के बाद इनमें जो आपको न्यूक्लियस आपको दिखाई दे रहा है ये फ्यूज होकर के डिप्लॉइड न्यूक्लियस बना लेते हैं। अब ये जो डिप्लोइड न्यूक्लियस आपको दिखाई दे रहा है इसके अंदर क्षमता होती है, कैपेबिलिटी होती है कि ये अनफेवरेबल पीरियड्स में अपने आप को वहां पर रेस्टिंग पीरियड सोइल के अंदर, ठीक है, ये सोइल के अंदर रेस्टिंग पीरियड को व्यतीत करते हैं, वहां पर बिताते हैं रेस्टिंग पीरियड। ठीक है, तो कहां तक, यहां पर मामला जो है यहां तक कहानी खत्म होती है। अब थर्ड का तीसरी कहानी कहां पर स्टार्ट होगी, बेसिडियोस्पोर्स में। तो अब तक के आपने क्या देखा कि भाई स्टार्टिंग में यूरोडोस्पोर्स थे, यूरोडोस्पोर्स से बना टिलिटोस्पोर, और टिलिटोस्पोर्स में फाइनली कहां पर बात खत्म हुई कि दो न्यूक्लियस आपस में फ्यूज हो गए, फ्यूजन करके उन्होंने क्या बना लिया यहां पर, अब वो उन्होंने जो एक सेल की जो स्ट्रक्चर बनाया, वो जो सेल है उसके अंदर कैपेबिलिटी होती है, एक क्षमता होती है कि वो अनफेवरेबल पीरियड को सह सके। ठीक है, और वो नीचे गिर जाते हैं सोइल के अंदर, ये जो टिलिटोस्पोर्स होते हैं ये सोइल के अंदर गिर जाते हैं, वहां पर रेस्टिंग करते हैं। ठीक है, रेस्टिंग पीरियड को व्यतीत करते हैं। तो यहां तक ये टिलिटोस्पोर्स की कहानी खत्म होती है, अब इसे नोट कर लें और स्टार्टिंग करते हैं फिर उसके बाद हम बेसिडियोस्पोर्स की।
टिलिटियो स्पोर्ट्स में जो आपको स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, ये आपको वहां पर एग्जाम में अगर चाहे तो बनाना भी पड़ सकता है। ठीक है, अगर ये इस तरह का क्वेश्चन आता है तो इस तरह के क्वेश्चन को के लिए कम से कम आधे घंटे का समय होना चाहिए। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते नहीं। सपोज दैट कि इसके ऑप्शनली आप क्वेश्चन ऐसा आ गया कि जैसे एल्ब्यूगो के लाइफ साइकिल को लिखे, तो आप इस क्वेश्चन को सिलेक्ट करना करके एल्ब्यूगो के लाइफ साइकिल को सिलेक्ट करना उस समय, क्योंकि कंडीशन ये है कि इसे करने में आपको ज्यादा समय लगेगा। ठीक है, देखिए ये जो टिलिटियस स्पोर्स आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पर इस तरह से की स्पिंडल शेप स्ट्रक्चर बन जाती है, स्टाल्क होता है, ये भ्रष्ट एपिडर्मिस यहाँ पर, और ये होस्ट सेल यहाँ पर, ये एक्सोस्पोर्स कहलाती है, इसका अंडरस्पोर्स कहलाता है, दो न्यूक्लियस हैं जो कि अब ये धीरे धीरे डेवलप होते हैं, मैच्योर होते हैं, मैच्योर होने के बाद ये न्यूक्लियस फ्यूज होते हैं, फ्यूज होने के बाद ये अनफेवरेबल क्रिएट का सामना करते हैं। बात करते हैं बेसिडियस स्पोर्स की, तो आइए दोस्तों डिस्कस करते हैं बेसिडियस स्पोर्स के बारे में। और बेसिडियस स्पोर्स जो है थर्ड नंबर का स्टेज है, अब इसे हम बोलते हैं बेसिडियल स्टेज। अब इसमें क्या होगा, देखिए ध्यान से सुनिए, सबसे पहले क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि जो टीलियोस्पोर्स होते हैं वो रेस्टिंग पीरियड को व्यतीत करते हैं, कहाँ पर, उस खेत में गिर जाते हैं, ठीक है, सोइल में मिल जाते हैं, सोइल में मिलने के बाद वो रेस्टिंग पीरियड को वहां पर व्यतीत करते हैं। उसके बाद क्या होगा कि जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगी वो क्या करते हैं भाई, फेवरेबल कंडीशन आने पर उनका जो प्रोटोप्लास्ट होता है वो एक्टिव हो जाता है, एक्टिव होने के बाद उनमें से कुछ एक प्रोमाइसिलियम बाहर निकलती है, जर्म पोर्स निकलता है। ठीक है, एक प्रो, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये टीलियोस्पोर सबसे पहले ऐसा था, इसके यहाँ से स्टार्ट होता है, एक यहाँ से जैसे निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, एक प्रोमाइसिलियम स्ट्रक्चर्स बाहर निकलती है जर्म पोर के द्वारा। ठीक है, जर्मिनेशन होगा, प्रोमाइसिलियम बाहर निकलेगी। अब प्रोमाइसिलियम को हम क्या बोलते हैं, बेसिडियम, प्रोमाइसिलियम को हम बोला करते हैं बेसिडियम। अब इस जो आपको इसके अंदर जो डिप्लॉइड न्यूक्लियस मैंने आपको बताया था, इनका फ्यूजन होता है और डिप्लॉइड न्यूक्लियस बनता है, तो वो जो डिप्लॉइड न्यूक्लियस है वो पहुंच जाता है बेसिडियम के अंदर। ठीक है, अब बेसिडियम के अंदर जैसे ही इसका न्यूक्लियस पहुंचा वहां पर क्या होगा, मियोसिस डिवीजन। अब मियोसिस डिवीजन से क्या होता है, जैसे ही बेसिडियम में मियोसिस डिवीजन होगा, मियोसिस डिवीजन के बाद वहां पर चार हैप्लोइड सेल्स बन जाएगी, या फिर न्यूक्लियस आप कह सकते हैं कि चार हैप्लोइड न्यूक्लियस बनते हैं। अब मैंने ये ऐसा क्यों हुआ, देखिए जब भी मैंने इससे पहले भी मैंने आपको बता चुका हूं कि जब भी मियोसिस होता है तो चार न्यूक्लियस बनते हैं, अगर दो है तो चार न्यूक्लियस बनते हैं, तो जैसे ही इसमें मियोसिस होता है तो चार हैप्लोइड न्यूक्लियस बनते हैं। अब वे जो है न्यूक्लियस बाहर की तरफ एक आउटग्रोथ निकलती है, ठीक है, गोलाकार यहाँ पर स्ट्रक्चर निकल जाते हैं बेसिडियम में भी, तो ये बना लेते हैं बेसिडियो स्पोर। ठीक है, और वो जो न्यूक्लियस है इन स्पोर्स में चले जाते हैं, चारों के चारों हैप्लोइड न्यूक्लियस इन बेसिडियो स्पोर्स में चले जाते हैं। अब इसमें से दो तो होते हैं माइनस स्ट्रेन, अपोजिट स्ट्रेंस के होते हैं, एक माइनस स्ट्रेंस एक प्लस स्ट्रेंस, किसी को भी आप माइनस और किसी को दो को भी प्लस, तो दो किस तरह के, दो तो बनते हैं माइनस स्ट्रेन वाले, दो स्पोर्स माइनस स्ट्रेन वाले, और दो स्पोर्स जो होते हैं वो बनते हैं प्लस स्ट्रेन वाले। ठीक है, और ये स्पोर्स कहाँ पर लगा होता है, बेसिडियम के ऊपर, इसे बोला जाता है बेसिडियो स्पोर्स। अब ये जो आपको बेसिडियो स्पोर्स दिखाई दे रहा है ये अटैक करता है बारबेरिस वुलगेरिस की पत्तियों पर। ठीक है, तो अब तक के जो भी चल रहा था ये सब चल रहा था वीट प्लांट पर, लेकिन अब ये जो बने हैं बेसिडियो स्पोर्स ये इस गेहूं के पौधे पर या फिर वीट प्लांट पर इन्फेक्शन करने की एबिलिटी नहीं होती, ये इसमें कैपेबल नहीं होते कि इन पर इन्फेक्ट कर सकें, क्योंकि ये होते हैं हैप्लोइड, इस पर डिप्लॉइड चाहिए अटैक करने के लिए। तो क्या होगा कि ये हैप्लोइड जो है डायरेक्ट अटैक करते हैं बारबेरिस वुलगेरिस की पत्तियों पर। ठीक, तो आगे का प्रोसेस कहाँ पर होगा, वहां पर जहाँ पर थर्ड स्टेज बेसिडियस स्पोर्स एंड फोर्थ स्टेज आएगी आपकी पिकनीडियो स्पोर्स। ठीक है, तो थर्ड फोर्थ स्टेप में बनेगा पिकनीडियो स्पोर्स। तो अब तक हम कहाँ तक पहुंच चुके हैं, सबसे पहले यूरिडियो स्पोर्स हुआ, यूरिडियो स्पोर्स से निर्माण हुआ टीलिटियो स्पोर्स का, टीलिटियो स्पोर्स से आगे कहानी चलती रही। ठीक है, एक तरह से कहानी की तरह सब कुछ चल रहा है और एक सब कुछ एक दूसरे से लिंक है, इसको बिल्कुल भी अलग मत समझना। ठीक, आगे क्या हुआ, बेसिडियो स्पोर्स से बना, अब यहाँ पर पिकनीडियो स्पोर बनेगा। तो बेसिडियो स्पोर्स किस कैसे बना मैंने आपको पता चल गया ना कि किस, यहाँ से एक जो है टीलिटोस्पोर्स में से एक आउटग्रोथ लाइक स्ट्रक्चर्स निकलती है जिसे हम बेसिडियम बोलते हैं। बेसिडियम में जो यहाँ पर जो डिप्लोइड न्यूक्लियस है वो बेसिडियम में चला जाता है, वहाँ पर मियोसिस डिवीजन होता है जिससे कि चार हैप्लोइड सेल्स बनती हैं या न्यूक्लियस बनता है, और वो जो है एक आउटग्रोथ लाइक वहाँ पर भी स्ट्रक्चर बेसिडियम में भी एक स्ट्रक्चर्स निकलती हैं। अब उन स्ट्रक्चर्स में वो जो न्यूक्लियस है वो चले जाते हैं और ये सेपरेट हो जाते हैं वाटर ड्रॉपलेट मेथड के द्वारा, ये सेपरेट हो जाते हैं और ये सेपरेट होकर के डायरेक्ट अटैक कर देते हैं बारबेरिस वुलगेरिस के प्लांट पर। ठीक, तो इस पर इस पॉइंट को नोट कर लें, इन सभी पॉइंट को ठीक इसी प्रकार से आपको भी एग्जाम पेपर में एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो चलिए हेडिंग डालेंगे वहां पर पिकनीडियो स्पोर्स।
तो फ्रेंड्स डिस्कस करते हैं फोर्थ स्टेज जो कि है पिकनिडियो स्पोर्स, ठीक है, इसे हम पिकनिडियल स्टेज भी बोलते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि भाई जो बेसिडियो स्पोर्स होते हैं वो गेहूं के प्लांट में इन्फेक्ट करने में असमर्थ होते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, बेसिडियो स्पोर्स जो होते हैं दो प्लस वाले अपोजिट स्ट्रेन के होते हैं, दो प्लस दो माइनस के होते हैं, तो वे हवा में वाइंड जब फ्लो करती है, हवा जब बहती है तो क्या होता है, बारबेरिस वुलगेरिस की पत्तियों पर वो जो बेसिडियो स्पोर्स पहुंच जाते हैं और वहां पर पहुंचने के बाद जम ट्यूब्स बनाते हैं, ठीक है, जम ट्यूब्स के द्वारा उसकी इपिडर्मिस पर अटैक करते हैं और धीरे धीरे क्या होगा कि वो स्टोमेटा के द्वारा एंटर करने के बाद इंट्रासेलुलर माइसीलियम बनाते हैं, ठीक है, इंट्रासेलुलर अंदर घुसने के बाद मोनोकैरियोटिक माइसीलियम बनाते हैं। मोनोकैरियोटिक क्यों कहा, क्योंकि वो सब हैप्लोइड है, सिंगल न्यूक्लियस है, ठीक है, अपोजिट स्ट्रेन कुछ माइनस वाले पहुंच गए होंगे, कुछ प्लस वाले होंगे होंगे, ठीक है, सपोज दैट कि इधर वाला माइनस वाला, इधर वाला मैंने प्लस वाला मान लिया, ठीक, तो अब क्या होगा, अब धीरे धीरे होगा कि ये जो हेट्रोथाइलिक होती है, जो प्राइमरी मोनोकैरियोटिक माइसिलियम होती है वो हेट्रोथैलिक होती है क्योंकि उसमें प्लस और माइनस स्ट्रेन होता है, तो वो धीरे धीरे आगे जब प्रोसेस होगा तो उसमें स्यूडो पैरेन्काइमेटस टिश्यू बन जाते हैं जो कि चेंज हो जाता है पिकनीडियल कप, जिसे हम स्पर्मियोगाइनियम भी बोलते हैं। अब यहाँ पर पिकनीडियो कप में क्या होता है कि इसमें पिकनीडियो स्पोर्स जर्मिनेट होते हैं, ठीक है, इस पिकनीडियल कप में धीरे धीरे पिकनीडियो स्पोर्स बनते हैं और पिकनीडियम स्पोर्स जो होता है, पिकनीडियम जो होता है, पिकनीडियम के अंदर पिकनीडियो स्पोर्स बनता है, इस बात का ध्यान रखें। तो पिकनीडियम जैसे ही मैच्योर होगा, अब ध्यान से देखें क्योंकि ये टर्निंग पॉइंट है एक तरह से, जैसे ही पिकनीडियम मैच्योर होगा तो मैच्योर होने के बाद वो ओस्टियोल के द्वारा, ओस्टियोल यहाँ पर आपको मैंने दिखा देता हूँ, यहाँ से स्टियोल्स ओस्टियोल्स होता है, इसे हम बोलते हैं ओस्टियोल्स, ठीक है, यहाँ पर इसकी स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, ये है होस्ट सेल, ये है लोअर इपिडर्मिस और ये है अपर इपिडर्मिस, ठीक है, इसे हम बोलते हैं स्पर्मेटोगोनियम, इसे हम बोलते हैं स्पर्मेटोगोनियम, इस पिकनीडियम को हम पिकनीडियम भी बोलते हैं, जो आपको दिखाई दे रही रेड कलर की जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है इसे हम पिकनीडियम भी बोलते हैं और स्पर्मेटोगोनियम भी बोलते हैं, ये अंदर का माइसिलियम्स है, ठीक है, और उसके बाद ये ऊपर अपर इपिडर्मिस है और ये बारबेरी का लीफ है, बारबेरी का लीफ में पिकनीडिया है और इसी का टीएस सेक्शन ये है, ठीक है, ये जो पिकनीडिया आपको दिखाई दे रहा है इसी का टीएस सेक्शन यहाँ पर आपको मैंने दिखाया है, और देखिए इसमें से कुछ प्लस स्ट्रेन का होता है, कुछ माइनस स्ट्रेन का, तो अब जरूरी तो नहीं है कि कोई प्लस वाला और माइनस वाला एक ही साथ किसी एक ही लीफ पर आए, ठीक है, तो वो अलग अलग लीफ पर चले जाते हैं, तो वहाँ उसका भी आपको भी किस तरह से उनमें आपस में फ्यूजन होता है वो भी मैं आपको आपको बताऊंगा। तो देखिए जो पिकनीडियम मैच्योर हो जाता है, मैच्योर होने के बाद वो ओस्टियोल्स के द्वारा एक अलग प्रकार के एक जूस का सेक्रेशन करता है, एक रस का सेक्रेशन करता है। अब वो जो रस होता है उसे इंसेक्ट क्लास इंसेक्ट आपने पढ़ा होगा जूलॉजी में, जैसे कीट पतंगे जिसमें आते हैं, ये सब क्या है, रस को चूसने के लिए आते हैं, ठीक है। अब वो उस रस को जब चूसने आएंगे तो उससे क्या होगा कि जो प्लस वाला स्ट्रेन है उनके बॉडी पर अटैच हो जाएगा। अब वो क्या करते हैं, वो वही बॉडी को लेकर के फिर दूसरे वाले, अब सपोज दैट कि भाई अगर वो उड़ेंगे तो उनकी पूरी बॉडी उड़ेगी, और वो अब उस पर जो प्लस वाला, सपोज दैट कि उन्होंने प्लस वाले स्ट्रेन पर आए और वहां से उन्होंने जो है उसके रस को स्टार्ट कर दिया अब्सॉर्ब करना, ठीक है, सक करके वो चले गए, तो वहां पर जैसे वो जाएंगे उनके पैरों पर या उनके मुंह पर, उनके पूरी बॉडी पर कहीं ना कहीं से प्लस वाला स्ट्रेन अटैच हो जाएगा। अब वहां पर क्या होगा, जो माइनस वाले स्ट्रेन पर जैसे ही वो जाएंगे उस दूसरी बार अब्सॉर्ब करने के लिए, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा, प्लस और माइनस वाले आपस में अटैच हो जाएगा, तो यहां से कहानी बनती है फ्यूजन की। अब जैसे ही वो अटैच हो जाएंगे बन जाएगा पूरा डिप्लॉइड न्यूक्लियस, तो यहां से कहानी अब बनेगा एसियोस्पोर्स, वो भी कहां पर, लोअर एपिडर्मिस पर। तो कहानी समझ में आई पिकनीडियोस्पोर्स की, इसमें क्या हुआ एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। बेसिडियोस्पोर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो वीट प्लांट पर अटैक करने में असमर्थ होते हैं, तो वो क्या करते हैं, बारबेरी और हवा जब बहती है वाइंड फ्लो करती है तो वो बारबेरीज वुलगेरिस की पत्तियों पर आकर के अटैक कर देते हैं। उसमें क्या होगा, जम ट्यूब बनाते हैं, स्टोमेटा के द्वारा एंटर करते हैं, जम ट्यूब बनाते हैं, जम ट्यूब धीरे धीरे पूरी माइसिलियम उसके जो है टिश्यूज में एंटर कर देती है, ठीक है, क्योंकि इंट्रासेलुलर स्पेस होता है उन टिश्यूज के अंदर, वो माइसीलियम उसके अंदर फैलती रहती है, जैसे जैसे उसको फूड को अब्सॉर्ब करेगी और वैसे वैसे क्या होता रहेगा, उसका जो माइसीलियम है वो ग्रो करता रहेगा और वो इंट्रासेलुलर प्राइमरी मोनोकैरियोटिक माइसीलियम बना लेगा। उसके बाद वो जो माइसीलियम होता है वो हेटरोथैलिक होता है, प्लस और माइनस अपोजिट स्ट्रेन के अलग अलग जो है अलग अलग पत्तियों पर या फिर एक ही पत्ती पर कभी कभी देखने को मिल जाता है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसे आप माइनस वाला मान लो, इसे प्लस वाला मान लो। अब उसके बाद क्या होगा, पिकनीडियल ये जो है धीरे धीरे चेंज हो जाएंगे स्यूडो पैरेन्काइमेटस टिश्यूज में और फिर वो चेंज हो जाएगा पिकनीडियल कप में, जिसे हम स्पर्मियोगोनियम भी बोलते हैं।
अब पिकनीडियम में जर्मिनेट होते हैं पिकनीडियो स्पोर्स, ठीक है। तो पिकनीडियम जो होता है वो मेच्योर जब हो जाता है तो वो ओस्टियोल के द्वारा एक अलग प्रकार के रस का सेक्रेशन करता है, जूस का सेक्रेशन करता है, जो कि जिससे कि इंसेक्ट आते हैं उस जूस को जैसे ही अब्जॉर्ब, उसे वहाँ पर उस रस को जैसे ही वो अब्जॉर्ब करना या फिर सक करना चाहेंगे तो उससे क्या होगा कि प्लस वाला उनकी बॉडी पर अटैच हो जाता है, ठीक है, स्ट्रेन। और वो जैसे ही माइनस वाले स्ट्रेन पर जाएंगे तो वहाँ पर दो न्यूक्लियस का आपस में हो जाता है फ्यूजन, ठीक। तो आप आगे की कहानी डिस्कस करेंगे एसियोस्पोर्स के द्वारा, तो आप यहाँ पर नोट कर लें। सो गाइस, अब हम डिस्कस करते हैं एसिडियोस्पोर्स। ये एसिडियल स्टेज कहलाती है, इस स्टेज में ये फाइनल स्टेज होती है, ठीक है, पक्सिनिया ग्रेमनी स्ट्रेटिसाई की ये फाइनल स्टेज है। तो मैंने इसमें क्या बताया था फोर्थ स्टेज में कि फाइनली क्या होता है कि जब इंसेक्ट उस रस को चूसने के लिए होस्ट उसे एब्जॉर्ब करने के लिए सक करने के लिए आते हैं तो उनके जो अपोजिट वाले उस मतलब कि जो अपोजिट स्ट्रेन प्लस वाला माइनस में चला जाता है उनके बॉडी पर अटैच होकर के जैसे वो माइनस वाले पे जाते हैं, सपोज दैट कि अब आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, जैसे प्लस वाला है, ठीक है, इस पर कोई तितली मतलब कि कोई इंसेक्ट आया उस रस को चूसने के लिए आया और उस पर जैसे ही उसे चूसने के लिए गया तो उस पर ये प्लस वाले जितने भी स्पोर्स हैं उसके बॉडी पर अटैच हो गए। अब ये जब इंसेक्ट जाएगा माइनस वाले के पास तो वो माइनस और प्लस वाले आपस में मिल जाएंगे और उनके बीच होगा फ्यूजन, ठीक है। अब ये फ्यूजन होकर के ये लोअर इपिडर्मिस की तरफ चले जाते हैं, ये सभी के सभी जो स्पोर्स जो बनता है वो लोअर इपिडर्मिस की तरफ चले जाते हैं और वहाँ पर ये मोनोकैरियोटिक माइसीडियम बनाते हैं जिसका धीरे धीरे डाइकैरियोटाइजेशन होता है जो कि एक एसिडियम बनाता है, एसिडियम स्ट्रक्चर बनाता है। उस एसिडियम में एसिडियोस्पोर्स होते हैं। अब वहाँ पर एसिडियोस्पोर्स जो होते हैं वो उनकी स्ट्रक्चर होती है टू लेयर्ड स्ट्रक्चर होती है, डाइकैरियन होती है। मैंने आपको बताया कि भाई प्लस और माइनस आपस में मिल गए तो डिप्लॉइड हो गया, ठीक है, हैप्लोइड हुआ था बेसिडियम में। बेसिडियम में जब बेसिडियोस्पोर्स थे वो थे हैप्लोइड थे, लेकिन जैसे ही आपस में प्लस वाले माइनस वाले मिले फिर दोबारा से वो डिप्लॉइड हो गए, ठीक। तो अब ये जब डिप्लॉइड हो गए तो डिप्लॉइड होने के बाद इनकी जो स्ट्रक्चर होगी टू लेयर्ड स्ट्रक्चर होती है, डाइकैरियन होती है, पॉलीगोनल होती है। अब ये जो एसिडियोस्पोर्स आपको दिखाई दे रही है लोअर इपिडर्मिस को भ्रष्ट करके फ्री हो जाते हैं, ठीक। अब ये फ्री होकर अब ये बारबेरिस के प्लांट पर अटैक नहीं कर पाते क्योंकि डिप्लॉइड हो गए। अब ये डिप्लॉइड हो गए तो अब ये किस पर अटैक करेंगे, ये अटैक करते हैं वीट प्लांट पर दोबारा से, ठीक है। अब ये जैसे ही वीट प्लांट पर अटैक करेंगे फिर से वही प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था। तो ये आपको आई थिंक आप तो सब समझ में आ गया होगा। चलिए अब पूरी तरह से एक लाइफ साइकिल का डायग्राम बनाते हैं और फिर उसके बाद हमें उस वीडियो को एंड करते हैं। तो आइए दोस्तों डिस्कस कर लेते हैं इसकी लाइफ साइकिल को, फटाफट समझ लेते हैं कि किस तरह से है। बड़े ही सिंपल तरीके से मैंने यहाँ पर डायग्राम को बनाया है, ठीक है, इसी प्रकार से आपको भी बना करके रख लेना है। देखिए सबसे पहले क्या होगा कि भाई जो रेडियोस्पोर्स है कहीं किसी न किसी एक को तो आपको रेफरेंस पॉइंट मानना होगा क्योंकि ठीक है एक कोई चीज साइक्लिक है, साइक्लिक फॉर्म है, अगर आपने यहां से स्टार्ट किया तो यहीं पर खत्म होगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं रेडियोस्पोर्स से। रेडियोस्पोर्स कहां पर इन्फेक्ट करता है, वीट प्लांट के स्टेम पर या लीफ पर, ठीक है। अब ये रेडियोस्पोराई में रेडियोस्पोर्स होता है, रेडियोस्पोर्स से बनता है टिलिटोस्पोर्स। टिलिटोस्पोर्स जो है रेस्टिंग पीरियड को शो करते हैं सॉइल के अंदर और फिर बाद में इसका जो प्रोटोप्लास्ट होता है वो एक्टिव होकर के बनाता है बेसिडियम और बेसिडियम से बनते हैं बेसिडियोस्पोर्स। ये बेसिडियोस्पोर्स जो है वीट प्लांट पर इन्फेक्ट करने में असमर्थ होते हैं तो ये क्या करते हैं हवा में उड़ करके जब वाइंड फ्लो करती है तो वहां पर ये बारबेरी लीफ पर अटैक करते हैं, ठीक है। बारबेरी लीफ पर ये इनका जो माइसिलियम है वो ग्रो करता है, उसके बाद धीरे धीरे क्या होगा ये एसियोस्पोर्स यहाँ पर ये पिकनीडियोस्पोर्स बनाती है, ठीक। पिकनीडियोस्पोर्स में मैंने आपको बताया कि भाई जो प्लस और माइनस स्ट्रेंस वाले जब आपस में मिलते हैं तब वहां पर एसियोस्पोर्स बनता है। एसियोस्पोर्स फिर दोबारा से इन्फेक्ट करती है वीट प्लांट पर क्योंकि अब देखिए यहाँ पर ये था 2x, 2x का मतलब कि डबल न्यूक्लियस, यहाँ पर भी था 2x मतलब कि डबल न्यूक्लियस। बेसिडियम भी होता है, बेसिडियम जो है धीरे धीरे हैप्लोइड हो जाता है क्योंकि यहाँ पर मियोसिस डिवीजन होता है तो इससे क्या होगा हैप्लोइड यहाँ पर सेल्स बनती हैं। तो यहाँ पर ये सिंगल सिर्फ n मान सकते हैं या फिर सीधा x कह सकते हैं। अब यहाँ पर ये जब पिकनीडियोस्पोर्स बनता है तो पिकनीडियोस्पोर्स अपोजिट स्ट्रेन के होते हैं तो फिर से जो एसियोस्पोर्स बनेगा वो हमेशा बन जाएगा 2x क्योंकि वहां पर दोनों न्यूक्लियस आपस में फ्यूज हो जाते हैं, ठीक, अपोजिट डिस्टेंस वाले। तो एसियोस्पोर्स अभी डिप्लॉयड हो जाता है, अब ये इन्फेक्ट करने में समर्थ हो जाता है तो ये दोबारा से इन्फेक्ट करता है वीट प्लांट पर, ठीक। तो इस प्रकार से लाइफ साइकिल इनकी चलती रहती है। तो प्यारे दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाय बाय, टाटा।